नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हिस्ट्री हमारी क्या डिटेल से चल रही है, तो इसके पहले हमने जितने वंश हुए हैं दिल्ली सल्तनत काल में मैंने बता दिया है, और ये वंश हमारा सैयद वंश है। सैयद वंश में जो क्वेश्चन है ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा से शॉर्टकट में ही पढ़ेंगे। तो हमारा सैयद वंश है, तो सैयद वंश का जो संस्थापक था, सैयद वंश का जो संस्थापक था तो खिज्र खां था। खिज्र खां था जो ये खिज्र वंश खां था। तो ये अपने आप को बताता था कि हम इस्लाम धर्म के पैगंबर जो थे, इस्लाम धर्म के मोहम्मद पैगंबर साहब, उनका वंशज बताते थे। ठीक है, तो क्या हुआ था, वो अपने आप को इसी उद्देश्य से अपना नाम बताता कि हम पैगंबर साहब के वंशज हैं। तो क्या लोग उसको क्या करते, सम्मान देते थे। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा सैयद वंश में। ठीक है, तो ये क्या था कि जो सैयद वंश था, तो ये एक हमारा सिया वंश था, एकमात्र सिया वंश सिर्फ हमारा सैयद वंश ही था। ठीक है, तो हमारा खिज्र खान ने क्या किया था, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। और जो तैमूर लंग के शासन का, जब तैमूर लंग भारत में आया था, ठीक है, तो उस समय खिज्र खान ने क्या किया, उसकी स्वागत कर दिया था। तो जब स्वागत कर दिया, तो जब तैमूर लंग भारत पर आया, आक्रमण किया, तो जब जा रहा था तो फिर क्या हुआ, ये सैयद वंश था जो संस्थापक कौन था, खिज्र खान, इसलिए इसको क्या किया, गद्दी पर बैठा के चला गया था। ठीक है, तो यही हमारा एक ऐसा शासक था जो हमारा कैसा वंश था, सिया वंश था। इसकी मृत्यु जो होती है, इसने कुछ ज़्यादा किया नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये बात होती है कि इसने एक उपाधि धारण की थी। क्या उपाधि, उपाधि धारण की थी, रैयत ए आला की, रैयत ए आला, ये उपाधि धारण की थी। मतलब क्या बोलते हैं, अल्लाह को प्यारा। ठीक है, अल्लाह को प्यारा, इसका मतलब होता है अल्लाह का प्यारा। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, इसका बेटा आ जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है हमारी। ठीक है, 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका बेटा आ जाता है, जो हमारा इसका बेटा था इसका जो बेटा था तो हमारा मुबारक शाह, इसके वंश जो बनता है मुबारक शाह, मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह के बाद एक शासक और आता है, मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के बाद लास्ट जिसका शासक होता है वो हमारा होता है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। दोस्तों, इससे हमारे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, इस कारण इसको क्या है, हम बहुत शॉर्टकट में निकाल दे रहे हैं। ठीक है, जो मुबारक शाह ने थे, तीनों ने एक नगर बसाया था मुबारकाबाद, मुबारकाबाद, मुबारकाबाद जो हमने नदी के किनारे तट पर स्थित है। ठीक है ना, जो जो मुबारक शाह था, तो इसका जो मोहम्मद शाह गद्दी पर जो बैठा था, तो इसके मुबारक शाह के भाई जो फरीद खां का ये पुत्र था। ठीक है, तो भी मोहम्मद शाह ने हुआ था कि इसने खाने खाना की उपाधि से विभूषित भी किया गया था, और इसके शासनकाल में जो दिल्ली की सीमा थी बहुत कम ही बची थी इसके समय में। ठीक है, तो मतलब क्या बोला जाता है, इसका वंश क्या बोला जाता है कि जो मुबारक शाह था, तो इसका वंश बोलते हैं दिल्ली से पालमपुर, इसका जो साम्राज्य बता था दिल्ली से पालमपुर बता था, दिल्ली से पालमपुर, एक कहावत जैसे हो गई थी। ठीक है, तो पालमपुर बहुत छोटी जगह। ठीक है, और जो शाह आलम था, ठीक है, तो शाह आलम इस वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक है, शाह आलम बदायूं चला जाता है और बहलोल लोधी आता है, और बहलोल लोधी क्या करता है कि एक नए वंश की स्थापना कर देता है, लोधी वंश का। ठीक है, तो हमारा क्या है कि आपने दोस्तों देखा इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस जो दो चार क्वेश्चन है तो हमने बता दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा कुछ पॉइंट दोस्तों है। क्या है कि ये वीडियो में जो इस वंश में जो कोई खास है नहीं है, तो इस कारण क्या करते हैं, अभी तक हमने जितने शासन काल पढ़े हैं तो उनके हम क्या करेंगे, क्रम से याद करेंगे कि कौन सा वंश पहले आया और उसका शासक कौन था। ठीक है, और जो हमारा लोधी वंश है, तो लोधी वंश को अगले लेक्चर में हम बता देंगे, क्योंकि एग्जाम में इस वाले चैप्टर से कम आता है, मगर लोधी वंश से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसे याद कर लेते हैं पहले वंश। ठीक है, वंश का क्रम।
वंश का क्रम कि किस ईसा में भारत पे आए थे क्रम में, ठीक है। तो हमारा वंश हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक्स याद करते हैं, गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, ठीक है। मतलब गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। खिले तो मतलब खिलजी वंश, तो से हमारा तुगलक वंश, सुंग मतलब सैयद वंश, लो से मतलब लोधी वंश, और लास्ट में हमारा आ जाता है कौन, मुगल साम्राज्य, ठीक है, मुगल वंश। तो इस तरह से आपने दोस्तों देखा कि हमारा क्रम से याद करेंगे, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन कभी कभी इस तरह आ जाता है कि क्रम सही करिए, तो पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश। एक ट्रिक हमारा और देख लेते हैं, जैसे हमारी ये है, दूसरी हमारी ट्रिक क्या हो जाएगा, गुल खिला तू सैया ला दो, गुल खिला तो सैया ला दो, गुल खिला तो सैया ला दो, मतलब गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश और तुसे तुगलक वंश, सही है, ठीक है, तुगलक वंश, ये खिलजी वंश हो गया। अभी लास्ट में हमारा ये आया सा से हमारा सैयद वंश और लो से हमारा लोधी वंश। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल में कितने वंश आए, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 वंश हमारे इसमें आए थे, और जो मुगल साम्राज्य भी इसको भी हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं, अब देखते हैं कि ये इसमें एक ट्रिक और देखते हैं, और इस ट्रिक में हम क्या देखेंगे कि जो शासक होते हैं कि इस वंश का शासक कौन था, जैसे दिल्ली सल्तनत काल में हमारा पहला गुलाम वंश का शासक कौन था, खिलजी वंश शासक कौन था, तो इसको हम ट्रिक से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा बस यहीं तक तो देखेंगे, और अगला हमारा जो वीडियो होगा वो हमारा होगा, जो अगला आएगा हमारा जैसे बहलोल लोधी सिकंदर लोधी, तो लोधी वंश आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे इसमें देखते हैं ट्रिक हमारी क्या होगी, वंश एवं उनके संस्थापक, तो वंश एवं उनके संस्थापक कौन होगा, देखो तो सलीम, सलीम कुत्ता जल गया, खिचड़ी बहावा, ठीक है, एक भोजपुरी लैंग्वेज में हो गया, मतलब दो दोस्त थे, ठीक है, अचानक कुत्ता आया और जब खिचड़ी जूठी कर गया तो कुत्ता का मुंह भी जल गया, तो कह रहा है दोस्त, कह रहा है खिचड़ी को बाबा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा यहाँ पर गुलाम वंश को हमने बताया था कि दास वंश भी कहते हैं, ठीक है, गुलाम वंश को क्या बोलते हैं, दास वंश भी बोलते हैं। तो हमारा इसमें से दास से हमारा क्या हुआ, दास वंश या इसे गुलाम वंश होता है, दास वंश या गुलाम वंश। खी से हमारा खिलजी वंश, तो से हमारा तुगलक वंश, और सा से हमारा सैयद वंश, लो से हमारा लोधी वंश, और यम से हमारा मुगल वंश, ठीक है। तो ये तो वंश हो गए, अब यहाँ पर देखते हैं हमारा कु से हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, कु से हमारा कौन हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक, और तो हमारा ठीक है कुतुबुद्दीन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे जलाल उद्दीन खिलजी, गासे गयासुद्दीन तुगलक, खी से खिज्र खां, ठीक है, और बा से हमारा कौन हो जाएगा, बहलोल लोधी, और बा से हमारा बाबर हो गया, ठीक है। तो आपने देखा बा से हमारा बाबर हो जाए, देख लेना आप कॉपी में लिखते जाना, तो देखो तो सलीम कुत्ता जल गया खिचड़ी बाबा, है ना, तो दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश, तो इनका हमारा जो होता है, तो दास वंश हमारा देखो, दास वंश का हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, खी से हमारा खिलजी वंश का, तो खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी हो गया, तुगलक से हमारा कौन हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, जो सैयद वंश संस्थापक था तो खिज्र खां था,
जो लोधी वंश संस्थापक था बहलोल लोधी था, और जो मुगल वंश संस्थापक था तो हमारा कौन था, बाबर वंश, बाबर था। ठीक है दोस्तों, मानते हैं कि ये घिचबिच लिख गया है, मगर क्या है कि आप उसको कॉपी में नोट करोगे, क्योंकि मैंने बोल दिया है तो आप उसी हिसाब में बनाते जाना। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि हमारा वंश कुक्रम, गुल खिला तो सैया ला दो, गुलाब खिलो तो सूंघ लो माँ, और देखो तो सलीम कुत्ता जल गया खिचड़ी बहावा। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि हमारे वंश कौन कौन से हैं और वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हमारा अगला जो वीडियो होगा इसका, और दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश जो हमारा है तो कौन सा है, लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश। अब इस लोधी वंश में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि लोधी वंश में कौन कौन आया। ठीक है, लोधी वंश, क्योंकि लोधी वंश का हमारा जब अंत होता है तो हमारे बाबर आते हैं, और बाबर क्या करते हैं, इब्राहिम लोधी को रणभूमि में मार देते हैं। ठीक है, तो रणभूमि में मरने वाला एक ही है हमारा इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो उनको, उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।